दोस्तों, अगर आपने बजाज सिटी वन खरीदा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं खरीदे हैं तो कुछ जानकारी हम इस वीडियो में, कुछ कमियां है इसकी, खराबी है जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो बहुत ही बेहद ज़रूरी है हम आप सभी के लिए दोस्तों, चाहे इसको खरीदे हों तो या खरीदने वाले हों, या फिर भी जानकारी के लिए इस बाइक की ज़रूरी है, कुछ कमियाँ कुछ खराबियाँ हैं जो आपको जान लेना बेहद ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक, ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिल जाए, ठीक है। वैसे आपने सोचा नहीं होगा कि इस बाइक में कमियां भी हो सकती है, लेकिन कमियां कुछ हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, फ्रंट से अगर आप देखेंगे तो आपको बाइक बहुत ही प्यारी बहुत ही खूबसूरत ही दिख रही है। इसकी लाइट आपको गोल वाली सर्कल में मिल जा रही है। फ्रंट का जो मडगार्ड है ये भी बहुत ही स्टाइलिश लुक दिख रहा है, देख सकते हैं आप। लेकिन यहीं पर कुछ कमियाँ जो आप जान लेंगे इसी वीडियो में। देखिए, सबसे पहली बात तो है जो टायर आप देख रहे हो ये ट्यूब वाले टायर हैं, आगे भी और पीछे भी आप देख लीजिए, ट्यूब वाले टायर, ट्यूबलेस टायर नहीं है इसमें, जबकि कंपनी को ट्यूबलेस टायर देना चाहिए। अगर ट्यूबलेस टायर देंगे तो अगर बाइक आपकी कहीं पंक्चर हो जाती है, कोई प्रॉब्लम, कोई हवा ही निकाल देता है, और बाय द वे अगर दुकान नियर अबाउट पास में नहीं है तो आप 1-2 किलोमीटर घिराएंगे तो पसीना छूट जाएगा, समझ लीजिए। तो मतलब समझ लो कि आपके बहुत ही प्रॉब्लम होगी, 1 किलोमीटर इसको खींचने में समझ लीजिए पसीना निकल जाएगा, क्योंकि जब बाइक आपकी जो पंचर हो जाती है तो ये टायर जो होता है बिल्कुल रोड से चिपक जाता है, ये ऊपर नहीं उठेगा। इसलिए ये सबसे बेहद ज़रूरी है कि कंपनी को इसमें ट्यूबलेस टायर देना ज़रूरी था। नंबर 2 की अगर हम बात करें तो इस बाइक में आपको बहुत ही सारे अच्छे अच्छे फीचर्स भी मिलेंगे, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी प्रॉब्लम्स है, जो कि फ्रंट पर आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलता है। इस बाइक में भले 1000-2000 और बढ़ा दें चलेगा, क्योंकि 82000 की स्प्लेंडर है, जबकि इससे समझ लो वो 100 में 40% तो ये 60% उससे ठीक है, मैं ये कहूँगा। जबकि इसमें लाइट ऑन ऑफ करने का सिस्टम, पासिंग सिस्टम ये भी मिल जाता है, 115 cc का इंजन भी मिल जाता है, उसमें 97 cc इंजन मिलता है, ना पासिंग स्विच है, ना लाइट ऑन ऑफ करने का सिस्टम, ना पेट्रोल को ऑन ऑफ मेन रिजर्व कुछ करने का सिस्टम, यानी पेट्रोल का पता ही नहीं लगेगा कितना है कितना नहीं, ठीक है। लेकिन इस बाइक में आपको उससे बहुत ज़्यादा फीचर्स अच्छे हैं, लेकिन बस यही ट्यूबलेस टायर इसमें देना चाहिए था कंपनी को, और फ्रंट पर डिस्क ब्रेक भले 2-3 हज़ार बढ़ा दे प्राइस चलेगा, लेकिन यहाँ पर 2-3 हज़ार जो है बढ़ा दे चलेगा, लेकिन डिस्क ब्रेक फ्रंट पर देना ज़रूरी था दोस्तों, ज़रूरी है। हो सकता है कि अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर करेंगे और पूरी वीडियो देखेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप शेयर करेंगे लाइक करेंगे, तो कंपनी वाले हो सकता है इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर दे, यानी कि सॉल्व कर दे, और डिस्क ब्रेक और ट्यूबलेस टायर ज़रूर इसमें हो सकता है दे दे दोस्तों। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ताकि कंपनी वाले देखें और बजाज सिटी 110X में जो भी कमी आ रही है, सिटी 100 में भी, वो ट्यूबलेस टायर करके आपको दे दें दोस्तों। तो थैंक्स वीडियो देखने के लिए।